नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आइए चलते हैं बिहार की 25 खबरों पर। नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक में 15 एजेंडों पर लगी मुहर। इनमें IGIMS को 77 करोड़, वृद्धाश्रम, भिक्षुक आश्रय और बालिका गृह को 9.48 करोड़ के रुपए को मंजूरी मिली है। साथ ही समाज कल्याण विभाग के 1465 पदों, बिहार के 36 सदर अस्पतालों में ऑडियोग्राफ और स्पीच पैथोलॉजिस्ट के 72 पदों के सृजन पर भी मुहर लग चुकी है। फिल्म साहू ने कायम किया रिकॉर्ड। एक्टर प्रभास और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की फिल्म साहू ने भारतीय सिनेमा जगत में इतिहास कायम करते हुए 5 दिनों के अंदर 350 करोड़ रुपए कमाकर रिकॉर्ड कायम कर लिया है। प्रखंड स्तर पर 303 नए पदों का सृजन। कैबिनेट की बैठक में प्रखंड स्तर पर भी 303 नए पदों का सृजन किया गया है, जिनमें पंचायत राज के अधिकारी पद के लिए 188 नए पदों का सृजन किया गया है। साथ ही प्रोफेसर मुखिया सरपंच प्रशिक्षण के लिए 58 नए पदों का सृजन किया गया है। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर कसा तंज। इन दिनों राजद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी लगातार क्रियाशील हैं। जब बात करें राजनीति की तो उन्होंने बड़े सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ठीक ठाक है सब कुछ, लॉ एंड ऑर्डर का कोई महत्व नहीं रह गया है, सब कुछ आम बात हो गई है। नीतीश जी भाजपा से मुंह खोलने से घबराते हैं, क्योंकि अगर बोले तो उनकी कुर्सी नहीं रहेगी। अब राज्य में 2024 से पहले ही दौड़ने लगेगी मेट्रो। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मेट्रो प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेने के बाद इसके कार्य को 3 साल के अंदर ही पूरा करने का भी जिम्मा लिया है। अब बिहारवासी 2024 से पहले ही मेट्रो रेल पटना की सवारी कर पाएंगे। बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट सचिव संजय कुमार ने बताया कि सबसे पहले मेट्रो राजेंद्र नगर से न्यू ISBT के बीच 7 किलोमीटर के एलिवेटेड रूट पर दौड़ेगी। 5वीं से 12वीं क्लास के विद्यार्थी स्कॉलरशिप पाने के लिए कर सकते हैं आवेदन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एजुकेशन फाउंडेशन NICE ने 5वीं से 12वीं क्लास और डिग्री डिप्लोमा धारकों के लिए भी स्कॉलरशिप का आयोजन किया है, जिसके लिए इच्छुक छात्रों को इस संस्था द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम को पास करना होगा। इसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 30 सितम्बर 2019 तक है। लालू के राजद दल ने किया बड़ा ऐलान। राजद दल ने कहा है कि संगठन में पंचायतों से लेकर प्रदेश स्तर तक के अति पिछड़ों को 60% की भागीदारी मिलेगी। अगर नए बिहार के लिए तैयार है तो सभी अति पिछड़े एकजुट होकर राजद का साथ दें। 14 जोड़ी ट्रेनों के परिचालन हुए रद्द, जिनमें बिहार के मुजफ्फरपुर से चलने वाली अहमदाबाद जनसाधारण एक्सप्रेस, लिच्छवी एक्सप्रेस एवं स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस भी शामिल है। इसके अलावा बिहार जनसंपर्क क्रांति, अवध असम एक्सप्रेस एवं मुजफ्फरपुर सूरत एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तित कर दिए गए हैं। रेलवे की ओर से सूचना मिली है कि मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद की जनसाधारण एक्सप्रेस अब 5, 12, 19, 26 सितम्बर, 3, 10 और 17 अक्टूबर को परिचालित नहीं होगी। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हुआ आसान। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की समय सीमा हुई कम, जिसमें इसे 30 दिन से घटाकर 10 दिन तक कर दिया गया है। वैसे ही स्मार्ट कार्ड लाइसेंस लेने के लिए पहले 15 दिन लगते थे, जिसे अब 7 दिन में बना दिया जाएगा और ट्रेड सर्टिफिकेट 30 दिनों के बजाय 10 दिनों में अब मिल जाएगा। परिवहन मंत्री ने CNG कार का शुभारंभ किया। अब बिहार में ऑटो के बाद CNG कार की सेवा भी शुरू हो गई है। इसका शुभारंभ परिवहन मंत्री संतोष निराला और सचिव संजय अग्रवाल ने किया। उन्होंने बताया कि पटना में अभी तक 2 CNG पंप संचालित किए गए हैं। अब 15 अक्टूबर तक 3 पंप और भी शुरू कर दिए जाएंगे, जो कि पेट्रोल से प्रति लीटर 15 रुपए कम की लागत में माइलेज देगी। कोइलवर पुल पर परिचालन रहेंगे बाधित। कोइलवर पुल पर मेंटेनेंस के काम को लेकर जर्जर पुल को मरम्मत के कार्य को पूरा किए जाने के क्रम में प्रशासन के निर्देशानुसार 2 दिन तक पुल को बंद रखने के आदेश दिए हैं, जिस पर 7 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक परिचालन रहेंगे बाधित। इस दौरान SDO ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे इस दौरान किसी वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करें। ICICI बैंक ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 5 करोड़। बिहार के सूखा एवं बाढ़ से राहत दिलाने के लिए ICICI बैंक ने बड़ी पहल करते हुए 5 करोड़ का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष को दिया है, जिसे एक अन्य मार्ग में सीएम नीतीश से मुलाकात कर गवर्नमेंट बैंकिंग बिजनेस के कंट्री हेड सौरभ कुमार सिंह ने उन्हें 5 करोड़ का चेक प्रदान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार सहित मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा भी मौजूद थे। उद्योग मंत्री श्याम रजक पहुंचे बिहार राज्य खादी बोर्ड संस्था। बिहार राज्य खादी बोर्ड द्वारा निबंधित सृजनी संस्था की तरफ से प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है, जहां पर सृजनी संस्था द्वारा साबुन, फिनाइल, डिटर्जेंट पाउडर आदि बनाने का प्रशिक्षण देकर लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण राज्य के उद्योग मंत्री श्याम रजक द्वारा किया गया है।
2020 से पहले सभी सड़कों के ऑडिट कार्य हो जाएंगे पूरे। सूचना एवं परिवहन विभाग की तरफ से आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि ई रिक्शा को लेकर विभाग ऑडिट करवा रहे हैं। बड़ी मात्रा में ई रिक्शा चलने का कारण ये है कि इसके लिए किसी परमिट की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि मार्च 2020 से पहले सभी महत्वपूर्ण सड़कों का सेफ्टी ऑडिट कार्य पूरा हो जाएगा। शुरू होंगे भारत वैगन में मेंटेनेंस फैक्ट्री। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की मोकामा इकाई द्वारा रेलवे को जल्द ही फायदा होने वाला है, जिसमें मोकामा के साथ मुजफ्फरपुर स्थित भारत वैगन इकाई को भी शामिल किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार भारत वैगन में मेमो ट्रेनों का मेंटेनेंस शुरू होते ही करीब 200 रेलकर्मी सेवाएं देंगे। इसके अलावा करीब 500 से अधिक लोगों को अनुबंध के आधार पर नौकरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। अपने पसंद के वाहन नंबरों के लिए अब कर सकते हैं एडवांस बुकिंग। गौरतलब है कि 7 अगस्त 2019 को बिहार सरकार ने राज्य के मोटर वाहनों को VIP नंबरों और अपने पसंद के मुताबिक लेने वाले नंबरों के लिए प्रक्रिया में बदलाव कर दी थी। अब जिन्हें भी अपने पसंद के नंबर लेने हैं उन्हें 0001 नंबर के लिए निजी वाहन मालिक को 1,00,000 और व्यावसायिक वाहन मालिक को 35,000 देने होंगे। इनमें एक सीरीज के 9,999 नंबरों में से 641 नंबरों को ई नीलामी के लिए भी रिजर्व किया गया है। बिहार में वन विभाग के बाघ सुरक्षा गार्डों को दिए जाएंगे विशेष दस्ते, जिसके अंतर्गत सिर्फ 40 साल तक के गार्ड STPF फोर्स में रह पाएंगे, जिसके बाद विभाग उन्हें दूसरे जगहों पर तैनात करेगा। अब बिहार में बाघों की सुरक्षा को लेकर विशेष सुरक्षा दस्ते होंगे, जिसमें वन रक्षकों को पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तरह ही तैनाती होगी। मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी मंगोलिया अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को संघर्ष का परिहार एवं पर्यावरण चेतना विषय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भारतीय प्रतिनिधिमंडल का सदस्य बनाया गया है, जिसमें PM मोदी, दलाई लामा एवं मंगोलिया के पूर्व राष्ट्रपति भी शामिल होंगे। यह कार्यक्रम मंगोलिया में 6, 7 और 8 सितम्बर को आयोजित किया जाएगा। बिहार में सौर ऊर्जा घर के लिए मिली मंजूरी। बिहार में कैबिनेट की मंजूरी के बाद ब्रेडा ने इन्वेस्टमेंट मॉडल के आधार पर काम करना शुरू कर दिया है, जिससे बिहार में 250 मेगावाट के 10 बिजली घरों का निर्माण किया जाएगा, जिस पर लगभग 1500 करोड़ की राशि भी खर्च की जाएगी, जिसके बाद इनसे उत्पन्न बिजली बेहद ही सस्ती हो जाएगी। अनुमान है कि इसके बिजली दर 3 से 4 रुपए प्रति यूनिट होंगे। मुफ्त शिक्षा देने वाली बिहार की बेटी को सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खुद 24 सितंबर को राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार से अनीसा को सम्मानित करेंगे। छपरा में रहने वाली अनीसा गरीब छात्रों को मुफ्त में शिक्षा देती है। पर्यटन का केंद्र बनेगा गौतम बुद्ध वाइल्डलाइफ सेंचुरी। भाजपा नेता कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने गया के प्रोजेक्ट वाइल्डलाइफ सेंचुरी के बारे में कहा है कि इसके बन जाने के बाद वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ ही इस जगह को एक बेहतर टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाएगा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अब बिहार सहित कई राज्यों से चुनाव की तैयारी में। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की बैठक में पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनकी पार्टी दिल्ली, झारखंड सहित हरियाणा में भी चुनाव लड़ेगी। बोले सुशील मोदी, अभी चुनाव की तैयारी करने के लिए है 1 साल का समय। डिप्टी CM सुशील मोदी ने इशारों में सोशल मीडिया के माध्यम से जदयू को चुनावी कार्य पर ध्यान देने को कहा है, जिसमें अपने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि अभी विधानसभा चुनाव के होने में 1 साल का समय है, इस समय के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। अब जानते हैं मौसम का हाल। औरंगाबाद, पटना, फारबिसगंज, गया, मधुबनी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पूर्णिया, राजगीर और सुपौल में बादल छाए रहेंगे, बारिश होगी, गर्जना और धूल भरी हवा चलने की भी संभावनाएं हैं। दानापुर रेलखंड पर यातायात हुई बाधित। दानापुर में मालगाड़ी के पटरी से उतरने के बाद यातायात परिचालन बाधित हो चुका है। बता दें कि बुधवार की सुबह दानापुर के गुड़गांव माल यार्ड से लौटने के बाद गाड़ी अचानक डीरेल हो गई, जिसके बाद पटना मुगलसराय रेलखंड पर कई ट्रेन के परिचालन रोक दिए गए हैं। हालांकि इसमें किसी यात्री को नुकसान होने की बात सामने नहीं आई है। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।